जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यटन के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। दोस्तों, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है उसे ही पर्यटन कहते हैं। पर्यटन के आधार पर वर्णों को पुनः निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, दूसरा भाग है इसका श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, और तीसरा होता है उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो एक एक कर सबको डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और आज की क्लास भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा और मजा आएगा आज की क्लास में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कंपन के आधार पर वर्णों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, यानी हम सबसे पहला टाइप डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो यही जान लेते हैं कि कंपन के आधार पर क्यों विभाजित किया गया है। दोस्तों, स्वर तंत्रियों में होने वाली कंपन, नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों को विभाजित किया गया है, वो भी दो भागों में। पहला है घोष वर्ण, घोष को हम सघोष भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है अघोष वर्ण। इन दो भागों में विभाजित किया गया है। अब जानते हैं घोष वर्ण या फिर सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और इन्हें इस नाम से क्यों पुकारा जाता है। घोष वर्णों का उच्चारण करने पर नाद या गूंज अधिक होती है, यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो बहुत अधिक गूंज होती है। घोष वर्णों के अंतर्गत निम्नलिखित कुल 31 वर्ण आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घोष वर्ण कितने होते हैं तो आपको क्या बताना है, 31। इनकी संख्या कितनी है, 31 है। घोष वर्णों की या फिर सघोष वर्ण 31 होते हैं। समझ आया आपको कौन कौन से। अब ये देखते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये कैसे होगा, थोड़ा आइडिया लगाइए अपना। हमने कल के वीडियो में जाना था कि वर्ग पांच होते हैं, कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांच वर्ग है। और पांचों वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है घोष वर्ण में। यानी इस टेबल के थ्रू हम समझते हैं कि तीसरा, चौथा और पांचवा कौन कौन से वर्ण होंगे, तो वो हम जानेंगे इस टेबल के थ्रू। अब आपके सामने टेबल है और इसमें पांच वर्ग दिए गए हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों के पांचों वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है ये होते हैं सघोष, क्योंकि इनका उच्चारण करने में गूंज या नाद अधिक होती है, इसलिए इन्हें सघोष वर्ण कहा जाता है। आपको क्लियर हुआ कौन कौन से, तीसरा, चौथा और पांचवा, सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और बाकी बचे दो, अगर इन दो की बात कर ले जो शुरुआत के, ये दो बचते हैं इधर वाले पांचों वर्ग के, तो इनको बोलते हैं अघोष वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय नाद या फिर गूंज जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू सघोष वर्ण। समझ आया आपको। अच्छा चलिए, हमने कितना जान लिया कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भी जो है हर एक वर्ग का सघोष होता है, और बाकी हमें कितने करने हैं, 31 वर्ण पूरे करने हैं, ठीक है। ये कितने हुए यहाँ तक, 15 तो ये हो गए, क्योंकि पांच वर्ग है और उनके तीनों लास्ट के तीन तीन वर्ण जो है वो आते हैं, तो टोटल कितने हो गए, ये 15। उसके बाद ये रे ले वे है जो ये वर्ण होते हैं, इनको भी सघोष की कैटेगरी में रखा गया है। और उसके बाद जो बाकी बचे 11 स्वर होते हैं, 11 के 11 स्वर जो है वो आते हैं सघोष में। क्लियर हो गया आपको। तो 11 तो ये हुए, और 15 हमने जो प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जाना कि ये सघोष होते हैं, ये हो गए, और पांच ये वाले, ठीक है। तो अब देखिए कितने हो गए टोटल, 11 और 31, ठीक है। अब आपको समझ आए किस प्रकार से 31 होते हैं सघोष। क्लियर हो गया, 11 तो स्वर मिल करके और 5 यार लव ह, ये वाले यार लव ह कौन से होते हैं पता है आपको, यार लव ह ये कौन से व्यंजन होते हैं दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि 11 के 11 स्वर अंतस्थ व्यंजन
और प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिलकर के बनते हैं घोष वर्ण, जिनकी संख्या हो जाती है 31। अब चलिए जानेंगे अघोष वर्ण के बारे में। अघोष वर्णों का उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम होती है, ठीक है। उस अघोष में क्या था, नाद और गूंज ज्यादा होती थी, लेकिन अघोष में कम होती है। घोष वर्णों के अंतर्गत निम्नलिखित कुल 13 वर्ण आते हैं, यानी उसका उल्टा, 31 का उल्टा करेंगे तो कितना बन जाता है, 13। समझ आया आपको। इस तरीके से 31 जो वर्ण होते हैं वो आते हैं सघोष या घोष में, और 13 वर्ण आते हैं अघोष में। कौन कौन से 13 वर्ण होते हैं उसके बारे में हम जान लेंगे। सबसे पहली बात कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जो कि सघोष में जाने से बच गए थे, पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग के वो होते हैं अघोष, और बाकी श श श ये वाले वर्ण भी होते हैं अघोष। तो कितने हुए टोटल, 10 तो ये हो गए हैं शुरुआत के दो प्रत्येक वर्ग के, ठीक है, और बाकी बचे ये 3, तो टोटल कितने हुए, 13 वर्ण होते हैं जो अघोष के कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं घोष की, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय गूंज या फिर नाद कम होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में, तो इसलिए एक बार फिर से इसको फटाफट से समझेंगे थोड़ा और अलग तरीके से, जिससे गलती के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। तो स्वर तंत्र या कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है दो प्रकार से, अघोष और घोष या फिर सघोष, ठीक है। अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसा कि हमने बिल्कुल अभी अभी पढ़ा, और बाकी बचे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन कौन से थे, श श, ठीक है, ये वाले 3। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं 13। और घोष या सघोष वर्ण कौन से होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा प्रति एक वर्ग के, और बाकी बचे अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व ह, इनकी संख्या हो जाती है 31। इस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। अघोष क्या होते हैं, दांत की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास का प्रयोग किया जाए या फिर कम नाद हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं अघोष वर्ण, और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक गूंज होती है, नाद होती है, उन्हें कहते हैं सघोष व्यंजन। क्लियर हो गया आपको। अब चलिए इसका अगला टाइप डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है श्वास या वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों इन्हें भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। एक एक कर इनको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अल्प प्राण की। प्राण मतलब होता है श्वास में लगने वाला समय, ठीक है, प्राण को उसे ही बोलते हैं। और जैसे आपको इसी शब्द से क्लियर हो गया होगा, अल्प प्राण यानी कम श्वास, ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अल्प प्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण में कम समय या श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें ही अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या होती है 30, और अल्प प्राण के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं, कौन कौन से, पांचों वर्गों के विषम वर्ण, यानी पहला तीसरा और पांचवा वर्ण किसमें आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं, और बाकी बचे य र ल व, ये कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो श्वास की साथ वायु होती है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, इसलिए इनको अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। अब क्या आपको ये अलग से बताने की जरूरत है कि पहला तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सा होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण उठा लीजिए, इसी प्रकार पांचों के पांचों वर्गों का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण मिला करके बन जाते हैं अल्प प्राण। और अभी हम बात करेंगे महाप्राण की, तो अभी से ही आप समझ लीजिए कि जैसे इसमें दो वर्ण यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं बीच के, दूसरा और चौथा, तो आप समझ लीजिए कि ये वाले किस में आने वाले हैं, महाप्राण में, ठीक है, तभी तो इन्होंने छोड़ा। और अभी बात की जा रही है पहले तीसरे और पांचवें वर्ण की, ये आते हैं अल्प प्राण में, और अंतस्थ व्यंजन जितने हैं यानी 4 है, य र ल व, ये भी आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। अच्छा, तो चलो महाप्राण के बारे में बात करते हैं। महाप्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण के समय श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, यानी अल्प प्राण का बिल्कुल अपोजिट।
महाप्राण के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या होती है 14। महाप्राण के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं, कौन कौन से? पांचों वर्गों के सम वर्ण, सम यानी जो दूसरे और चौथे स्थान पर आते हैं, ठीक है, वे वाले पांचों के पांचों वर्गों के दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो आते हैं महाप्राण के अंतर्गत, क्योंकि इनका उच्चारण करते जब समय श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, और बाकी बचे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? श, स, स, ह, इनको भी महाप्राण की कैटेगरी में ही रखा गया है, क्योंकि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है मुख से। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार और क्लियर करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी तसल्ली भी होनी चाहिए कि आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? जिनमें अल्प या फिर श्वास की मात्रा बहुत कम निकलती है, ठीक है, जब हम उच्चारण करते हैं तो श्वास की मात्रा बहुत कम निकलती है, उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण? प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, यानी विषम वर्ण जो होते हैं, विषम स्थानों पर जो वर्ण लिखे होते हैं, कौन कौन से? पहला, तीसरा और पांचवा, ये सभी आते हैं अल्प प्राण की कैटेगरी में, और बाकी बचे अंतस्थ व्यंजन यानी यर, ल, व, ये भी इसी के साथ आते हैं। आपके जो च वर्ग है उसका भी पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ट वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, त का भी और प का भी, इसी प्रकार पांचों वर्गों के जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं ये आ जाते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको। अब बात करें महाप्राण, महाप्राण की, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो श्वास की मात्रा अधिक बाहर निकलती है हमारे मुख से, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं महाप्राण के अंतर्गत? दूसरा और चौथा वर्ण, और बाकी ऊष्म व्यंजन यानी स, 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 ह। आपको कई कई बार रिपीट होके बिल्कुल याद हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो पांचों के पांचों वर्ग कौन कौन से? क, च, ट, त, प, पांचों वर्ग के दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आएगा। आप सबको क्लियर हुआ बताइए मुझे। ओके फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।